हेलो। तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लच प्लेटों के बारे में। मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर सवाल पूछते थे कि हमें क्लच प्लेट के बारे में बताइए, क्लच प्लेट के काम बताइए, क्लच प्लेट में कौन से पार्ट्स रहते हैं उसके बारे में बताइए, और क्लच प्लेट कैसे जलती है उसके बारे में बताइए। तो क्लच प्लेट जलती कैसे है उसके बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा ही, और आपको कैसे गाड़ी चलानी है जिससे कि आपकी क्लच प्लेट जल ना पाए, तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाने ही वाला हूँ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्लच प्लेट के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ और क्लच प्लेट काम कैसी करती है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये मेरे पास मेरी स्कॉर्पियो की क्लच प्लेट अवेलेबल है। मैंने ये 2 साल पहले बदली हुई थी। मेरी जो स्कॉर्पियो है वो 2.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन वाली स्कॉर्पियो है। उसका इंजन बड़ा है इसलिए क्लच प्लेट भी उसके हिसाब से ही है। और जब मैंने ये क्लच प्लेट 2 साल पहले बदली थी, तब मुझे जब मैंने जेन्युइन पार्ट लिए थे, ये 3 चीज़ें ली थी। ये है बेरिंग ली थी, प्रेशर प्लेट ली था और क्लच प्लेट ली थी। तब मुझे 8,000 रुपया खर्चा करना पड़ा था, और ये बिठाने का क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाने का मुझे 2,000 रुपया मैकेनिक को देना पड़ा था। तो मैं आपको बताता हूँ इसे क्या कहते हैं। तो इस पूरे पूरे हिस्से को क्लच प्लेट कहते हैं, इसे क्लच प्लेट कहते हैं, इसे प्रेशर प्लेट कहते हैं, और ये बेरिंग होती है रिलीज बेरिंग, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसे क्लच प्लेट में ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे फ्रिक्शन सरफेस कहते हैं। फ्रिक्शन सरफेस कहते हैं, इसकी मदद से फ्रिक्शन तैयार होता है। और ये जो है ये कवर प्लेट है, कवर प्लेट है, और ये जो है ये स्प्रिंग्स है, इसकी मदद से ही हमारी जो शिफ्टिंग होती है वो स्मूथली और आराम से हो जाती है। और ये जो आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर कनेक्टेड होता है, गियर शिफ्टर कनेक्टर पर कनेक्टेड रहता है, और इसे कहते हैं प्रेशर प्लेट। और इसे ये भी एक प्रकार की स्प्रिंग है, हमें लगता नहीं कि ये स्प्रिंग है लेकिन ये भी एक प्रकार की स्प्रिंग ही है। ये बेरिंग की मदद से अंदर और बाहर होती है, जो ये क्लच प्रेशर प्लेट कुछ इस तरीके से रहती है, इस क्लच प्लेट के ऊपर रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी रहती है, कुछ इस प्रकार ये प्रेशर प्लेट कवर करती है क्लच प्लेट को, और उसके ऊपर ये रहता है बेरिंग, और इसके अंदर से वो गियर शिफ्टर है वो जाता है। तो जब जब हम क्लच अंदर दबाते हैं, माने कि क्लच प्रेस करते हैं, तब ये स्प्रिंग भी अंदर चली जाती है, मेरे से अभी जा नहीं रही है ताकि ये क्योंकि ये खूब बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब ये स्प्रिंग ऐसे अंदर जाती है, तब हम इंजन को और गेयर बॉक्स को डिसएंगेज कर देते हैं। और जब ये स्प्रिंग बाहर आ जाती है, माने कि जब हम क्लच रिलीज करते हैं, तब ये स्प्रिंग बाहर आ जाती है, माने कि ऐसे ही हो जाती है। तब हम एंगेज करते हैं गेयर बॉक्स को और इंजन को क्लच प्लेट की मदद से, और ये भी इसे प्रेशर प्लेट कहते हैं। ये ऐसे कवर करती है क्लच प्लेट को, ये भी यहाँ पर भी फ्रिक्शन सरफेस है, और इन दोनों में और एक पार्ट रहता है, उसे कहते हैं फ्लाई व्हील, जो कि हमारे इंजन से कनेक्टेड रहती है। मुझे मेरे फ्लाई व्हील चेंज करनी नहीं पड़ी थी, क्योंकि जो फ्लाई व्हील पर एक सरफेस रहता है, कुछ ऐसा ही फ्रिक्शन सरफेस रहता है, वो बहुत मोटा रहता है, इसलिए मेरे मैकेनिक ने वो सरफेस ऊपर से काट कर उसे प्लेन बना दिया था। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर धब्बे लगे हुए हैं, तो ये प्लेन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ठीक से फ्रिक्शन नहीं तैयार हो रहा था, और मेरी गाड़ी को गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी और पिकअप में भी प्रॉब्लम हो रही। और ये जो प्रेशर प्लेट है वो ये कनेक्टेड रहती है फ्लाई व्हील से, इसलिए जब फ्लाई व्हील घूमता है तब ये प्रेशर प्लेट भी घूमती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो नॉर्मल चीज़ें बताई वो अध्ययन में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि क्लच प्लेट कैसे काम करती है, क्लच प्लेट के बारे में थोड़ी भी जानकारी आई हुई होगी। और मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि हमें क्लच प्लेट जलने से कैसे बचाना है, क्योंकि क्लच प्लेट बदलने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पैसे गिनने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने मेरे अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब